आदिशक्ति पराशक्ति जय जय शक्ति चामुंडेश्वरी। ठीक 12 बजे वो दुर्गा माँ की स्थापना बादामी मैदान में करने जाएंगे। बल्लाल ठाकुर पूजा में व्यस्त होगा और अग्नि समारोह खत्म होने तक किसी पर भी उंगली नहीं उठाएगा। ठीक 12:30 बजे तक तुम मैदान में घुसकर हमला करोगे। ठाकुर परिवार की मौत की खबर मिलने के बाद 2 बजे मैं शुरू करूंगा अपनी पार्टी। अगर किसी भी कारणवश तुम नाकाम रहे तो हम बात के पक्के हैं। एक बार वादा किया ना, काम खत्म करके ही रहेंगे। जय बिहारी, जय बिहारी, जय बिहारी, जय बिहारी। कलमदाजी मत कर, दो लिस्ट में नहीं है, निकाल। पूजा के शुभ अवसर पर हमला, दुश्मनी में भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा तुमने, लेकिन अब इस शेर से बचकर कहां जाओगे? धमकी दे रहा है क्या? तेरे बेंगलोर का कोई डरपोक गुंडा नहीं है, हम बिहारी हैं। हम सब भले ही अनेक शहरों से हो, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं।
इस धरती का पानी भी पवित्र माना जाता है। यहाँ हर एक प्रार्थना घर एक समान है। इस देश में पैदा होना हमारा सौभाग्य। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सब एक हैं और निडरता हर हिंदुस्तानी के खून में दौड़ती है। ठाकुर मेरा शिकार है, उसके साथ क्या करना है सिर्फ मैं तय करूंगा। मृत्यु के देवता भी हमारे बीच नहीं आ सकते। मेरे रास्ते में मत आना, मेरे रास्ते में मत आना, मत आना, मत आना। लोक कल्याण का अर्थ है आयुर्वेद, सबके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। मेरे पोते का ख्याल रखना। भारत जिसे सनातन धर्म का देश माना जाता है, जहां हम हमेशा से वेदों का सम्मान करते आए हैं। चार प्रमुख वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में आयुर्वेद का उल्लेख किया गया है। आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले केवल सप्तऋषियों को प्राप्त हुआ था, उसके बाद राजाओं को प्राप्त हुआ और फिर राजाओं ने यह ज्ञान सामान्य मनुष्यों में बांटा। प्रत्येक रोग की औषधि और इलाज का आयुर्वेद में उल्लेख किया गया है। महाराज अशोक के शासनकाल के दौरान आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ने लग गई थी, लेकिन जब अंग्रेजों का राज शुरू हुआ तो उन्होंने आयुर्वेद पर बाधा लगा डाली और आयुर्वेद का अस्तित्व खोने लगा। लेकिन आज भी कुछ प्राचीन समुदाय के लोग आयुर्वेद के सारे राज जानते हैं और दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। आयुर्वेद के बारे में जानकारी तो थी हमें, पर आज पता चला कि इसके इतने सारे लाभ भी होते हैं। हम सबको आज आपसे काफी कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन सर। नमस्कार। इफ यू डोंट माइंड वन सेल्फी प्लीज। कर्नाटका का बेल्लारी शहर और ये है बेल्लारी का सबसे खूंखार डॉन पल्लव सिंह। सर इज इन कोमा, होश में आने के लिए एक महीना भी लग सकता है। अरे जीजू, आप दुबई से कब आए? मैं आपको फोन करने ही वाला था, फिर मैंने सोचा कहीं आपको टेंशन ना हो जाए इसलिए मैंने। वो मेरा बेटा है, उसके सिवा मेरे परिवार में मेरा और कोई नहीं बचा है। हैदराबाद में किसी लड़की की शादी में गया था, उसने किसी लड़के के साथ बदतमीजी की तो किसी लड़के ने उसे मारा। ना तो लड़की का पता चला और ना ही हमें उस लड़के का। मार कर भाग गए साले। हाय सर, एसपी प्रताप। हाँ ठीक है, काम की बात कर। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, 2-3 दिन में वो पकड़ा जाएगा। एएसपी, मैं महाराष्ट्र जाता हूँ तो लोग मुझे माला पहनाते हैं, पंजाब में जाता हूँ तो लोग पैरों में गिर जाते हैं, तमिलनाडु में तालियों से स्वागत करते हैं, आंध्रा में मालिक बोलकर हाथ जोड़कर प्रणाम ठोकते हैं। तू उसे क्या पकड़ेगा रे, उसे तो मैं देख लूंगा। चल कट ले तू। एएसपी, उसके मरने के बाद एक पार्टी रखूंगा, पहुंच जाना। जा। Yes sir, sure I'll be there. All the best. Allama!
वो जोकर कहाँ है? आया क्यों नहीं अब तक? Calling from long time. Stupid boy, not reachable. हे भगवान, अब क्या करें हम? एक नंबर और है, उसे ट्राई कर. है ना? हाँ. Okay. लेफ्ट से आ रहा है भाई, जूम करने का, भाई जूम करने का. अरे ठोक डालूंगा तुझे अपनी सस्ती गन से, मार मार मार. हाँ? अरे ये तो झाड़ियों में घुस गया रे, इसको क्या एक नंबर आ गई क्या? ओपनिंग में ईशान पट्टी दिखा रहा है क्या? अभी पकड़ता हूं इसको, अभी दिखाती हूं. हे यू कॉकरोच, कम हियर. अरे बाप रे, ये रोड रोलर की तरह कौन आ रही है? ए अकल नहीं है क्या? नो ब्रेन्स. फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? कूल डाउन मैडम, कूल डाउन. लगता है कोई गलत फैमिली हो गई है. वैसा तो अपन गाइड है, बट आई एम द बॉस. अपन का जूनियर आ रहा है, वो आपसे अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगा. वो देखो स्टाइल में चल के आ रहा है. हाँ हेलो, मायसेल्फ रवि, प्लीज कॉल मी बैक, आई एम वेरी बिजी. कितना बिजी? हाँ, सबको मेरा हेलो, वेलकम टू जोधपुर. अमेरिका से मेरे लिए फोन था मैडम, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई. थैंक यू फॉर एडजस्टिंग. व्हाट एडजस्ट? वी आर स्टैंड हियर सिंस मॉर्निंग इन घमासान गर्मी. अल्लाह, गलती हो गई मैडम. चलिए फिर से लंच कर लेते. सुबह से खा रही हूँ मैं, स्टिल स्लिम, मी नॉट ईट अगेन. चलो अच्छा, लंच यू ऑलरेडी ओवर राइट है, कम देन फास्ट. आपको जोधपुर का टूर देना शुरू करते हैं, ओके ना? ए जिंगुर, चल गाड़ी निकाल, मेरा जूनियर आपको सब जगह दिखा देगा. जूनियर? नो बॉस. हैं? इस जिंगुर ने बोला कि ये मेरा बॉस है. ए जिंगुर, मेरा गाड़ी ठीक से साफ कर. आप फिकर मत कीजिए, इसको रात को डोज दे दूंगा. हाँ चलो, बहुत कुछ देखना है, आप सबको बुला लीजिए. हाँ, कम. डाकू जय सिंह के नाम से लोग तो क्या पुलिस भी डरती है. तूने तूने मुझे ही धोखा दिया. हाँ लेडीज का नया ग्रुप आया है, 50 लाख का सोना है. ठीक है, काम शुरू कर, बाकी मैं देख लूंगा. 50 लाख, 50 लाख. Where this music playing? Nearby, राजस्थानी folk song. Come with me. अरे आराम से. भूमि का पुत्र है, शांति की मूरत है वो. तेरे बेटे को उसकी हरकतों का परिणाम दिया है उसने. वो चोर लोग सब चुरा कर भाग गए भाई. अपने भीतर ज्वालामुखी बसाए रखने वाला उग्र रूपी है, को भी भयभीत कर देने वाला योद्धा है वो. है तो वो अकेला, लेकिन एक सेना के बराबर है वो. मार दो सारे को. प्रतिशोध का महाअवतार एक धमाका है वो. चल 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 चल. Hey, 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 hey
कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, वो सब कौन बताएगा रे? मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो हमेशा की तरह हम रम 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 ऐसे मंत्र पढ़ के येड़ा बनाता है, लेकिन आज तक तूने कभी साफ शब्दों में मुझे कुछ भी नहीं बताया। चल आज मैं तुझे साफ शब्दों में समझाता हूँ। वो चाहे बाहुबली क्यों ना हो, चाहे पाताल में ही क्यों ना छुपा हो, उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। ए, खाओ पियो मजा करो। चीयर्स। कहा था ना वो आ गया, वो देखो कौन है साला इसकी तो। ए, अपना बक्सा खोलो रे। मरने के लिए आया है क्या? भाग जा वरना काट दूंगा। मरने के लिए नहीं, मारने के लिए आया हूँ। फिनिश करो साले को। आई एम द फिनिशर। जाओ मार डालो। वो आदमी क्या कर रहा है? इलाज कर रहे हैं। खुद ही मारता है और खुद ही इलाज करता है। और क्या, ठोकना जरूरी है लेकिन इलाज करना इस फैमिली गिफ्ट। ओ, गिफ्ट है क्या? क्या बजा? व्हाई पुलिस डोंट कम नाउ। पुलिस आ गई लिए सबका खेल खत्म। काफी जल्दी। अरे इधर भी पुलिस लेट आती है क्या? फर्स्ट बिजली शाइनिंग
तेन बादल गरजे। हम इस गैंग को कई सालों से ढूंढ रहे थे। थैंक यू जगन, थैंक यू सो मच। सास ने टपकने से पहले दिया था। But myself thought it going to get chori today. But God sending you to give it to me. Thank you so much. It's okay. But madam, किसी अनजान जगह थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। अगर आप कम जेवर भी पहनेंगी तो भी बहुत खूबसूरत लगेंगी। तुम दोनों अलर्ट रहना। Okay, सुना? Okay, you all have a nice trip. Good luck to you all. Bye, madam. Bye, bye. See you. Nature और teacher दोनों good है. What's he? All super. Tell about him. जैसे Bruce नहीं करता था कराटे, हमारा बॉस है भराटे. Zigzag so. जगन मोहन ने कृष्णा, जगन मोहन ने कृष्णा। ओहो, ओहो, लगता है मेरी माँ ने श्री कृष्ण को बंदी बना लिया है। ओके, लेट्स फॉलो द स्टेप्स। माँ, राम राम, राम राम, आरती हो रही है। राम राम भैया, प्रसाद लीजिए। जी। तुम क्या गाती हो माँ, क्या भक्ति है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट होंगे और तुम्हारी हर इच्छा जरूर पूरी कर देंगे, पक्का। अगर भगवान श्री कृष्ण मुझसे मेरे सामने प्रकट होकर कुछ मांगने को कहेंगे ना, तो मैं जल्द से जल्द तेरी शादी करवाने की बात कहूंगी। शादी करना मजाक है क्या? क्या मतलब? पहले मुझे लड़की पसंद आनी चाहिए, फिर लड़की को मुझे पसंद करना चाहिए। हमारी फैमिली को उनकी फैमिली पसंद आनी चाहिए, उनकी फैमिली को हमारी फैमिली पसंद आनी चाहिए, तभी तो बात बनेगी ना। और ये सब कब होगा? कब होगा? जब टाइम सही होगा तब। टाइम? या जन्माष्टमी के दिन तू पैदा हुआ था ना, तो मैंने तेरा नाम जगन मोहन कृष्ण रख दिया। लेकिन कृष्ण भगवान का एक भी गुण नहीं है तेरे में। राधा, रुक्मणी, सत्यभामा, इन सबको तो छोड़, कम से कम एक गोपी को तो घर ले आता। देखो क्या सोचे माँ जी की, काश मेरी माँ भी इतनी ओपन माइंडेड होती। भाई हमेशा इस टपोरी के साथ लगा रहता है। मेरा बेटा सिर्फ नाम का कृष्ण है, लेकिन गुणों से पूरा भगवान राम पे गया है। आपकी बातें सुन सुन कर ही ये ऐसा बन गया। चलिए नाश्ता रेडी है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। थैंक यू बाबा। आ नाश्ता करते हैं। जी हाँ, चलो ना अंकल। तू यहीं रुक। सुबह से लूज मोशन इज कमिंग बॉस, पूरी हालत टाइट हो गई है। बॉस, बेंगलुरु से आज कुछ टूरिस्ट आ रहे हैं, आप उन्हें संभाल लो ना बॉस। फिल्म का फर्स्ट शो देखने जाना है, आज फ्राइडे है, साफ साफ बोलना। फेंकता क्यों है? यू कैच मी रेड हैंडेड, यू आर जीनियस बॉस, जीनियस। अब बॉस आज हैंडल कर लो ना, प्लीज प्लीज। चल फोन रख। चले या? क्या यार, कितना टाइम हो गया, ये लोग कहीं कल्टी तो नहीं देंगे ना? पता नहीं भाई, और 5 मिनट देखते हैं, नहीं तो आप लोग भी यहाँ से कल्टी मार लेंगे। मैडम आज के लिए इतना काफी है। राधा कहाँ है? आती हुई मैडम। जय गणेश। अरे बाबा नमस्कार, कैसे हो? तुम्हारे चेहरे में मुझे भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। लंबी फेंक रहे। तुम्हारे जीवन में राधा आने वाली है। उसे देखकर तुम्हारे दिल में घंटी बजने लगेगी। हवा में तुम्हें प्रेम संगीत सुनाई देगा। ओ
उसका दुपट्टा उड़कर तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। और तुम्हारे जीवन में वो ऐसी हलचल। अरे बस करो यार बाबा, इतना फेंकोगे यार, चलो निकलो यहाँ से प्लीज। अच्छा टाइम पास हो रहा था। दिमाग का दही कर रहा था। अगर उसने तुझे कोई शराब वाप दे दिया तो फिर क्या करेगा? अरे छोड़ो ना भाई, रात को टीवी पर कोई साउथ डब पिक्चर देखी होगी और यहाँ आकर उसी के डायलॉग मार रहा होगा। ए झिंगूर, इतना टेंशन मत ले बेटा, बदला हो जाएगा। फोन उठाकर पूछ आ रहे हैं या नहीं? हमेशा इन सब के साथ रहने के लिए कहा था ना तुम्हें राधा। चलो गाइड को फोन लगाओ। हाँ मैडम, करती हूँ। हेलो, हाँ आते हैं मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम, अपू नाम का टूर गाइड और वो है हमारा बॉस। He's so handsome ना। अपनी उम्र का थोड़ा लिहाज कीजिए। चलो चलो, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तूने प्लानिंग शीट्स ले ली है ना? भाई होश में आ जाइए, टूरिस्ट सामने खड़े ले। हाय सबको मेरा प्रणाम, मेरा नाम जगन है। जगन, नाइस नेम है ना? आप लोगों की सेवा करना हमारा काम है। कम थैंक यू। आइए 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 आइए। ब्लू इज द कलर ऑफ द स्काई एंड द सी। नीला रंग शुद्धता, विश्वास और सत्य का प्रतीक है। बिल्कुल यहाँ के लोगों के दिलों की तरह, इसीलिए ये शहर पूरी तरह से नीला है। जोधपुर में राजपूतों और मुगलों का शासन हुआ करता था। ओके एवरीवन, प्लीज गो स्प्रेड अराउंड एंड वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट्स। ओके ओके सर। जी पान लेंगे? जी कल से मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाह रही हूँ। बोलो। आपको याद है ना कि जगन आज 30 साल का हो गया है? हाँ पता है मुझे, पर लगता है आप एक जरूरी बात भूल रहे हैं। कौन सी? 20 साल पहले काशी में गुरुजी ने जो कहा था। रत्नाकर परिवार का श्राप लगा है इसे। जब ये 30 साल का होगा तो इसके सिर पर मृत्यु का साया प्रकट होगा। इसे कर्नाटक के बादामी शहर में स्थित शिव मंदिर में अपने हाथों से मृत्युंजय पूजा करनी होगी, तभी ये मृत्यु पर विजय पाकर आपके कुल का नाम रोशन करेगा और प्रसिद्धि पाएगा। यशोदा, हम बादामी वापस नहीं जा सकते, तुम जानती हो, और ईश्वर सर्व अंतर्यामी है। तुम वही पूजा यहाँ शिवजी के मंदिर में करवा लो, चिंता करना बंद करो। सुनिए तो सही, अरे सामने देखो भाई। अगर वो नहीं आती तो मैं आज कल्टी मारता। और जब वो आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देगी तो फिर आप क्या करोगे भाई? झिंगूर जैसी बातें मत कर। ओके, प्लीज आप अपने अपने मोबाइल और पर्स का ठीक से ख्याल रखिएगा। मेरे सिवाय किसी भी लड़के को चेकआउट मत कीजिएगा। गेट रेडी, वी आर विजिटिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स ऑफ इंडिया। इस फोर्ट को मेहरानगढ़ फोर्ट कहते हैं। महाराज राव जोधा जी ने सन 1459 में इस किले की नींव रखी थी और इसे बनाने में उन्हें पूरे 100 साल लग गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस किले में हर एक चीज हाथ से बनाई गई है। कोई मिसिंग है शायद? नहीं तो सब यहीं पर है। दैट येलो ड्रेस राधा। ओह गॉड, वेयर शी गो? वेयर शी गो? मैंने कहा था ना आपको, कोई भी अकेला नहीं घूमेगा, सब साथ में रहेंगे। जाइए ढूंढिए उसे। ए झिंगू, तू इस तरफ जा, मैं यहां जाके देखता हूं। इस तरफ चलो राधा। मुझे फोर्स मत करो, मैंने कहा ना कि वो मुझे पसंद नहीं है। प्लीज मुझे बार बार परेशान मत करो। मुझसे मेरी आजादी मत छीनो। ये बेचारी तो टेंशन में लग गई। कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। राधा जी, इज एवरीथिंग ओके? अरे आप तो रो रही हैं, भूख लगी है क्या? बहुत मस्त लंच है, पैकेज में इंक्लूडेड भी है। आइए आइए आइए।
नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अरे इसकी तो राधा जी, ये सुसाइड पॉइंट है। मैं यहाँ आत्महत्या ही करने आई हूँ। आत्महत्या? अरे तो फिर लंच कौन खाएगा यार? पहले आकर खा लो, फिर ये सब कर लेना। मैंने फ्री में इंक्लूड करवाया। अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया ना तो मैं नीचे कूद जाऊंगी। ओके ओके ओके, तो आपने पक्का फैसला कर लिया। एनीवे, हैप्पी जर्नी। अच्छा, और कूदने के बाद चिल्लाना मत, कोई सुन नहीं पाएगा। गुड लक। आंखें खोलो, तुम अभी जिंदा हो। कुछ लोग ये रास्ता अपनाते हैं, लेकिन कुछ अपनी मुश्किलों से हंसकर लड़ते हैं। देखो, मौत को तुम्हारा पीछा करने दो, लेकिन खुद मौत की तरफ मत भागो। अगर तुम अपनी मौत से नहीं डरती तो अपनी समस्या से क्यों डरती हो? माई, आर यू ओके? ऑल ओके, रेडी? हाँ, ओके ओके। अगर भाई नहीं होता ना तो अब तक आपका टिकट कट गया होता। लोग घूमने आते, तुम सुसाइड कर रही थी, दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? भाई ठंडा ठंडा रख। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे घर वालों को हम क्या जवाब देते? हाँ, ये सब करने की क्या जरूरत थी राधा? ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे साथ? प्यार में इतना पागलपन? प्यार कहाँ से आ गया बीच में? बाद में बात करेंगे। थैंक यू जगन। थैंक यू सर। नमस्ते। चलो राधा। क्या हटेली लड़की है भाई। अब ये पागल कहाँ जा रही है? हाय। हाय। ब्रेकअप हुआ? चाइल्डहुड लव स्टोरी टाइप का है कुछ? तो कॉलेज में कोई फ्रेंडशिप, लव, ब्रेकअप? नहीं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मिले, पिकअप, ड्रॉप, फिर लव, फिर धोखा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तो फिर आपकी प्रॉब्लम क्या है मैडम? हर साल जब मैं छुट्टियों में अपने गांव जाती हूँ तो मेरा स्वयंवर करवाते हैं। स्वयंवर? लास्ट टाइम एक लड़का आया था, वो मुझे पसंद भी बहुत था, लेकिन प्रपोजल राउंड से पहले ही उसे एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट किया? तुम्हारे स्वयंवर में घर वालों ने एलिमिनेट किया? हाँ, और अब किसी और लड़के को चुन लिया है और उससे शादी करवाने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। तो ये है तुम्हारी लव स्टोरी। इसे लव नहीं कहते, आकर्षण कहते हैं। हाँ? प्यार इतनी आसानी से नहीं होता मैडम, उसकी फीलिंग ही कुछ और होती है। जब प्यार होता है ना तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। रियली? देखो मिस राधा, जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए ना तो उसका सलूशन ढूंढना चाहिए। और जब तक हम जिंदा हैं, हमें खुश रहना चाहिए। गौतम बुद्धा ने क्या कहा है पता है? अगर हमारे मन पर हम खुद नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हमारा मन हम पर नियंत्रण रखेगा। ओ। हाँ? ओके बुद्धा। बुद्धा? थैंक यू बुद्धा। अरे पर मैं, थैंक यू सो मच। मैं बुद्धा बुद्धा हूँ क्या? थैंक यू सो मच बुद्धा, थैंक यू सो मच। मैं जगन हूँ मैडम। अरे मैं, आई लव यू बुद्धा, लव यू सो मच। लव बोला? ओह थैंक यू। ओके बाय बाय। बॉस, भाभी जी अर्ली मॉर्निंग आपका इंतजार कर कर के थक गई और फिर मेरे हाथ में ये डब्बा थमा के टाटा बाय बाय सेइंग गोइंग। वो चली गई? अरे बॉस, और भी बहुत सारी बातें हैं। यू हरी अप कमिंग टू आवर लेक वाला रेस्टोरेंट,
फटाक से ना बोल इतना फटाक से अरे बोल ना ओके टेलिंग बॉस गाड़ी वाज गोइंग हम लोग स्टैंडिंग वाचिंग अचानक से गाड़ी स्टॉपिंग वी बोथ थिंकिंग व्हाई और तभी भाभी गाड़ी से बाहर निकले और फिर दर 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 बाहर निकलिंग हमारी और कमिंग ये लीजिए थैंक यू नहीं आपके लिए नहीं जगन के लिए है मेरी जान बचाने वाले के लिए मेरी तरफ से एक बहुत ही अनमोल गिफ्ट प्लीज उन्हें ये दे दीजिएगा थैंक्स फॉर यू इसमें क्या होएगा अरे मुझे क्या पता बहुत अमीर घर की लड़की है कम से कम 2 करोड़ के हीरे होंगे बॉस तो लेंगे नहीं हम दोनों बाकी ओके ओके मुझे बचाने के लिए शुक्रिया समझाने के लिए शुक्रिया फुटेज तो ऐसे खा रही थी जैसे पता नहीं क्या दे रही होगी अच्छा है बॉस वाइट नीट उसका नंबर लिया तूने आई आस्किंग और फिर शी नॉट गिविंग आप उन समझ गया भाई क्या सर मैं आपको बोलूं क्या बुलडोजर लेके और चढ़ा दे साले रवि तू जाकर कहीं से भी उसका नंबर लेके मेरा दिल टूट गया और ये शट अप इडियट मैं झिंगुर ऑलवेज डूइंग चटरपटर हां मैंने क्या किया तू नंबर ले लेता ना हु इज देयर हे हे भाई अरे मैंने माफ कर दो भैया बोलो भाई हमसे भाई क्या हो भैया भैया आई विल किल यू अरे रवि इधर आ नुकसान कर दिया बॉस बस कर अब ठीक हो कुछ नहीं तू भाई उठा इतने सालों से बाइक चला रहा है फिर भी ध्यान नहीं देता है क्या रोड पर अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या होता कुछ नहीं ऊपर से नालायकों को साथ रखा है दोनों के दोनों निकम्मे हैं ना तू मेरी बात सुनता है ना तेरे बाबा सुनते हैं बस अपनी मर्जी चलाते हैं पंडित जी एक बच्चा ने सांप डस लियो है जल्दी आओ ना सा चलो मेरे बेटे को बचा लीजिए जगन त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता सर, हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे सर ये लीजिए काश मैं आपको इससे ज्यादा दे पाता गलत मत समझिएगा लेकिन यह काम हम पैसे कमाने के लिए नहीं करते लोगों की सेवा के लिए करते हैं परमेश्वर का प्रदान किया हुआ वरदान है ये इस विद्या को त्याग दूंगा मैं लेकिन कभी बेचूंगा नहीं धन्यवाद सर धन्यवाद इजाजत इन्हें छोड़कर यशोदा क्या हुआ आपके लिए आपका वचन श्रेष्ठ होगा पर मुझे मेरा बेटा प्यारा है हम पूरा परिवार खो चुके हैं अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी इतने सालों से मैंने बादामी का नाम तक नहीं लिया अपने भाई से भी नहीं मिली लेकिन जगन को मंदिर ले जाऊंगी ये एक माँ की विनती है ठीक है जाओ बादामी कर्नाटका का एक शहर जहां पर बरसों से ठाकुर परिवार का राज चल रहा है इनकी इजाजत के बिना बादामी का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और ये परिवार के मुखिया बड़े ठाकुर साहब हैं नमस्ते ठाकुर साहब पिछली बार मुझ पर विश्वास करके आपने मुझे एमएलए की कुर्सी दिलाई थी मैंने भी अपना कर्तव्य निभाया मेरा मानना है इस बार भी एमएलए की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए पिछली बार भी आपने मुझ पर दया नहीं दिखाई थी उम्मीद है इस बार आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा मैं आपका मान बनाए रखूंगा नमस्ते ठाकुर साहब जनता को बदलाव की उम्मीद है मेरे जैसे किसी युवा नेता की मालिक बड़े ठाकुर जी की
जगन बेटा, मुझे प्यास लगी है, पानी ला देना, जा। ये तो ठाकुर का बेटा है, चलो भागो यहाँ से, जल्दी चलो चलो चलो, चलो। सॉरी लोमा। हाँ? छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं मुझे माफ कर दो, मैं इलेक्शन में नहीं खड़ा होऊंगा, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो भैया, माफ। अपने कर दो कौड़ी का टट्टू पालकर तू इलेक्शन जीतने की सोच रहा था, और वो भी ठाकुर परिवार के सामने। ठाकुर परिवार से लड़ने वाला कोई वाला कोई नहीं। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सामग्री आप लेकर आई है ना? माफ कीजिएगा स्वामी जी, बैग में है, अभी लाए। घी लेकर आइए। हाँ, ओके। आपका नाम क्या है? जगन। आप अपना पूरा नाम बोलिए। जगन मोहन। जगन मोहन। मंगल होगा। धन्यवाद। हेलो, आपकी बहन अपने बेटे के साथ मंदिर आई थी। तुम्हारे आने की सूचना पंडित जी ने मुझे दी, एक फोन तो मुझे कर सकती थी ना। ये भाई क्या मर गया है तुम्हारे लिए? कैसी बातें कर रहे हो भैया? देख, तेरा इंतजार पूरा गांव कर रहा है। चल आजा आजा आजा। देख मना मत करना, तुझे मेरी कसम। ये जगन है? हाँ, ये मेरा भाई है, तेरे मामा जी। अंकल चलो आओ मेरे साथ। Where are we going? बाप रे, यहां तो मेला लगा हुआ। हटो प्लीज। अरे यशोदा, कैसी है मेरी बेटी? बड़े दिनों बाद मिली। ये मेरी माँ है। पायला गुनानी। God bless सदा सुखी रहो बेटा। ए, रुक जाओ। अगर तुम लोग इस तरह गुड़ बनाने लग गए तो मैं अपनी गुड़ की फैक्ट्री बंद कर दूं क्या? गलती होगी मालिक। तुम सब आज से गुड़ बनाना बंद कर दो, नहीं तो मैं सबको यहीं दफना दूंगा। चले ले जाए इन सबको। भाई वो भैरव वाला है तो बुलाना। अब मालिक नमस्ते, उस शंकर गौड़ा की बहन यशोदा आई। तो क्या? उसका एक बेटा है, आँखों से ना आग आग निकल रही थी। आपका धंधा तो गया हाथ से भाई। इधर आ। मेरा बेटा गोपाल किसी से भी निपट सकता है, चल फुट यहाँ से, जा तू अंदर जाके काम कर।
ठीक है भाई। ए गोपाल को बुला कर ला। अच्छा भाई। मैं हर साल तेरी माँ के वापस आने की दुआ करता रहता था, भगवान का नाम लेकर पानी में दिया छोड़ता रहता था, और देखा इस साल तुझे और तेरी माँ को मेरे पास भेजी दिया। उस भगवान ने, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है बेटा, जो चाहिए मांग ले, दिए को पानी में छोड़ दे, समझ गया ना? जा बेटा जा, जा, जा। God bless me. थैंक यू बुद्धा, थैंक यू सो मच। ये किसकी याद आ गई मुझे। सो ब्यूटीफुल इट इज, है ना? व्हाट बॉस? भाभी हियर। बॉस Your prey, God listening. Jodhpur mein missing, yahan mil jayenge. Heroine details 2.0. Boss, go to her and tell her everything, huh? Abbe, tu jaane dega to na? Arre, kahan gaye? Kya hua, boss? Tere mote sharir ke aage kuch dikh hi nahi raha. What do I did it? Kahan chali gayi yaar? Bhabhi standing. I found her, boss. Ruk jao. Where you go? उसे पटाने जा रहे हो क्या? Yes. भाई तुम मेरे रिश्तेदार हो, बेकार में दुश्मन मत बनो। 3 साल से वो लड़की हर साल इस मेले में आ रही है और मैं उसे पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम पिच खाली कर दो और निकलो। अरे भाई मैं तो उस लड़की को बहुत अच्छे से जानता हूँ यार। इसीलिए सोचा जाकर हाय हेलो कर दूँ। No, जाने नहीं दूंगा। Hey, टोपी वाले छिले आलू। After so long, my boss is meeting भाभी। And you? Chill bro, you chill. अच्छा अब तू देखता जा। मैं उसके सामने जाऊंगा तो कितनी खुशी से मुझसे मिलेगी, समझा? मैं भी देखता हूँ। हाँ, देखना आजा। हाँ। ए सुसाइड। राधा जी। हेलो। हाय। आज आपका गेटअप कुछ अलग सा लग रहा है। नाइस ट्रेडिशनल लुक, लुकिंग ब्यूटीफुल। हाँ आप कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं? राजस्थान, मैं गाइड। आप सुसाइड? वो गिफ्ट बुद्धा। राजस्थान सुसाइड। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। दिल टूटी तो यू मस्ट बी रिमेंबर मी। आपके पिताजी टेलिंग में फादर। झूठ बोले क्यों? मैं राधा, राइट? मैं राधा नहीं हूँ, लक्ष्मी। नाइस नेम। लेकिन मैंने देख लिया वो तुमको कितनी खुशी से मिली। लक्ष्मी मैं तेरा हीरो, बेबी मेक मी अ पति, आई एम कमिंग। ठाकुर जी नमस्ते। नमस्ते ठाकुर जी। नमस्ते। नमस्ते। अरे मिठाई लेके आओ। मिठाई खाने से पहले मैं आपको एक बुरी खबर देना चाहता हूँ। वैसे तो सभी क्षेत्र में आपकी जीत निश्चित है, लेकिन एक क्षेत्र को छोड़ के, देवनागिरी क्षेत्र के विक्रम नायक का नाम तो सुनाई होगा आपने। पीढ़ी दर पीढ़ी उसका परिवार वहाँ राज करता आया है। विक्रम नायक की सबसे बड़ी ताकत है उसका छोटा भाई वीर नायक। नायकों का भी एक नायक है, मैं वीर नायक। बहुत ही गुस्सा वाला है। हम नहीं डरते विक्रम नायक से, वो कोई भगवान है क्या? सही कहा, मेरे भैया भगवान ही हैं। पिछले साल जमीन घोटाले में अंदर भी गया था, लेकिन फिलहाल बेल पर बाहर आ गया है। विक्रम नायक के 3 बेटे भी हैं, तीनों का कुश्ती में बहुत नाम है और विक्रम नायक की जान बसी है अपने बेटों में। जनता की आवाज सुनकर विक्रम नायक खुद इस बार इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। उसके खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसकी हार निश्चित है। पैसा, मान सम्मान सब कुछ है उनके पास। अब राजनीति में उतर रहे हैं। हाँ,
ठाकुर साहब कह रहे हैं कि गठबंधन कर लेते हैं। हम उनसे बात करने गए थे चाचा जी। नमस्ते विक्रम नायक जी, ठाकुर जी के पोते गठबंधन के विषय में आपसे मिलने आए हैं। ठाकुर साहब को जाके बोल दो वो अपने इलाके के ठाकुर होंगे, हमारे इलाके के नहीं। चुनाव में खड़े होने के लिए हमें ना उनकी जरूरत है और ना ही किसी और की। दावणगिरी में सिर्फ हमारा राज चलता है। विक्रम नायक का परिवार जैसे आज तक कुश्ती के मैदान में जीतता आया है, वैसे ही अब राजनीति के मैदान में जीतेगा। तो क्या आप अकेले ही इस क्षेत्र में लड़ेंगे? सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि आसपास के तीनों क्षेत्रों में भैया के बेटे लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। भीख मांगने का कार्यक्रम समाप्त हुआ, मुफ्त का शरबत बट रहा है वहाँ, पी के जाना। अब तो आप ही रास्ता दिखाइए। रुको, ठाकुर साहब का बड़ा बेटा जिंदा है अभी। अगर नायक परिवार ने हमसे उलझने की ठान ली है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। जाकर काट डालो विक्रम नायक के तीनों बेटों को। जाओ जाओ। पता नहीं हमें किस पाप की सजा मिल रही है, हमारे घर के तीनों बेटों की मौत हो गई। ये सब कैसे हुआ? एक्सीडेंट लगता है साहब। ए, एक्सीडेंट था, तूने देखा क्या? देखा क्या? अगर एक्सीडेंट था तो वो आदमी सबको मर्डर क्यों बता रहा है? मर गए। भैया ठाकुर, आइसक्रीम दे बेटा। ए गाइड। अब देख तमाशा। हाय, ये क्या आज गेटअप पूरा अलग लग रहा है? पैंट शर्ट से सीधा ये ट्रेडिशनल लुक, लुकिंग वेरी गुड। आप कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं किया? मैं राजस्थान में वो आप गाइड थे, मैं टूरिस्ट थी। आपने हेल्प की थी, मैंने बुद्धा गिफ्ट किया था उस दिन। यही सब तो मैंने भी कहा था ना, सबके सामने सुसाइड कह के बुलाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? इसलिए पहचानने से इनकार किया। अगर ठीक से बात करते तो जरूर पहचान लेती। करेक्ट। वन मिनट। भाई साहब सुना ना? पता नहीं क्यों आज सुबह से ठीक से सुना ही नहीं दे रहा। मैल होगा, साफ करके आता हूँ। आओ ना एक राउंड मारते हैं। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मुझे लगा हम कभी नहीं मिल पाएंगे। आप यहाँ पर कैसे? मैं 3 सालों से लगातार इस मेले में आ रही हूँ, कभी मिस नहीं किया। और आप यहाँ कैसे? ये मेरी नानी माँ का गांव। हम पास ही के एक गांव में कोई पूजा करने के लिए आए थे। आप बटानी गणपा को जानते हैं? नहीं, वो कौन है? अरे वो भगवान है। 30 डजन के लिए चढ़ाने से चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो 30 दिन में दूर हो जाती है। बटाटा शाम को जानते हो? वो भी कोई भगवान है क्या? बस स्टॉप के पास फेमस बटाटा बनाता है। लगता है खाने के काफी शौकीन। अरे यहाँ की और भी चीजें फेमस हैं। खलबली चाय, चुस्की आइसक्रीम, दबंग दबेली, मस्तानी भेल, चटपटा चाट, चाइनीज भुर्जी, पटाखा तंदूरी। तुम वहाँ पर मेरे गाइड थे ना, मैं यहाँ पे तुम्हारी गाइड हूँ। कल फिर से मिलते हैं, मैं और भी बताऊंगी। अरे पर किसी का नंबर डाल दिया है। अरे ये किसका नंबर है? मुझे बताना पड़ेगा। कल मिलते हैं, बाय। अरे पर बाय गाइड। ठाकुर जी की जय। ठाकुर जी की जय। ठाकुर जी की जय। ठाकुर जी की जय। भैया पंडित जी जरूरी बात करना चाहते हैं। जी ठीक है, चलो। पक्का किट पक्का झुंड पक्का था कभी ती तुम नम नम तारे गड़ तुम किट पक्का किट पक्का झुंड पक्का था
कितना अच्छा डांस करती है ये। हाँ बहन, इस लड़की का डांस देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, मैसूर में ये पढ़ाई कर रही है लेकिन हर साल इस उत्सव में आती है। ये मेरे बेटे के लिए ही बनी है। बुआ मेरा पत्ता साफ करने वाली है। बुआ जी जरा मेरी बात सुनिए। बैठा है इस निकम्मे के साथ, चला मेरे साथ। देख बेटा, कोई क्या कहेगा मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने तेरे लिए एक लड़की चुनी है और वही हमारी बहू बनेगी। तुझे कैसे भी हाँ बोलना होगा। yes. हाँ ऐसे ही। तू भी है। माँ, मैं तुझे ऑलरेडी बोल चुका हूँ ना, राजस्थान में लड़की मिली थी। हाँ? मैं उसे बहुत पसंद भी करता हूँ। अरे छोड़ राजस्थान वाली को, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है। तू एक बार देख तो सही उसे। एक बार देख ले ना। एक बार देख ले। ढूंढने से भी तेरे जैसी माँ नहीं मिलेगी। बहुत ही अच्छे नसीब वाला हूँ मैं। कहा था ना, जोधपुर में एक लड़की मिली थी जो मुझे बहुत पसंद थी। यही है वो। अरे वाह, रुक मैं अभी तेरी शादी फिक्स करके आती हूँ। माँ 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 माँ, मुश्किल से मेरी गाड़ी ट्रैक पर आई। तू रॉन्ग वे से एंट्री मारकर एक्सीडेंट मत कर। तू टेंशन मत ले माँ, मैं खुद उस लड़की को तेरे पास लेकर आऊंगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ओ हाय राधा जी, सब ठीक है ना? हाँ। कल डांस देखा आपका, क्या नाचती है। वाह 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 वाह, मेरी माँ तो आपकी फैन हो गई। मैं हूँ गोपाल, यहाँ के डॉन का बेटा। उत्सव का आज आखिरी दिन है, हम बाद में बात कर सकते हैं। ला रहे उधर। कौन है ये? हमारे गांव में गुड़ बनाने की एक फैक्ट्री है और ये उसके गुंडे हैं। सारे निकम में लड़के जो सस्ता सस्ता सेंट लगाकर यहाँ को आए, मेकअप थोप कर जो लड़कियां यहाँ को आई, और बाकी के सारे लोग सब ध्यान से सुन लो, कल सुबह तक सारा रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंच जाना चाहिए, और अगर नहीं पहुंचा तो तुम सबका ये उत्सव मातम में बदल जाएगा। तुम सब के घर में लाशें बिछी होंगी। चल रहे। ये तो सरासर नाइंसाफी है सरपंच जी, पिछली बार के माल का पैसा तो अभी तक नहीं दिया। आप आखिर कब तक उसकी दादागिरी बर्दाश्त करते रहेंगे सरपंच जी? उनके पास पैसा है, उनके पास ताकत है, उनकी नजर में कानून का कोई मूल्य नहीं। वो दरिंदे हैं, मेरे खुद के परिवार को भी वो बहुत बार धमका चुके हैं। इस बार उनकी बात मान लो। हमारा नसीब ही खराब है, चलो यहाँ से। अगर राधा को पटाना है तो खुद की लाइफ रिस्क में डालकर गुंडों के सामने खड़ा होना होगा। वेयरिंग टोपी नो मिस्टर इंडिया। मतलब मुझे कुछ करना होगा और क्या? देखो मैं क्या करता हूँ। क्या हुआ रे, हम लोगों का ठोकने आया था तू? ले चिकन खाएगा, हट बुक कर। भाई मैं तो एक मक्खी बीमार नहीं सकता, मैंने ये सब जगह के कहने पे किया, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। फिल्म में जो एक्स्ट्रा कॉमेडियन होते हैं ना, मैं उनमें से हूँ। अरे भाई, हम जैसे को कोई मारता है क्या? तुझे मारने के लिए नहीं लाया हूँ रे, जब तक वो लोग माल लेकर नहीं आते तब तक टंगा रहेगा तू। भाई एक मौका दो, मैं सबको लेकर आऊंगा। तू लाएगा? तेरे घर वाले नहीं तेरी सुनते, गांव वाले सुनेंगे। ए गोपाल, इस जोकर के साथ टाइम पास करना बंद कर, अपने आदमी को भेज माल लाने के लिए। भाई मुझे भी साथ ले चलो, मैं हेल्प करेगा। ए तुम लोग निकलो यहाँ से। भाई अरे सुनामी, भूचाल, तूफान सब आया है भाई, मुझे बहुत मारा, निकलिए यहाँ से। मारा है, चल हट यहाँ से। मारा 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 मारा
ये देखने में तो एक फैक्ट्री लगती है लेकिन बेसमेंट में शमशान है। हमारे रास्ते में जो भी आता है हम उसे वही गाड़ देते हैं। इस गांव का शेर हूं मैं। चुपचाप मेरे पैरों में गिर के माफी मांग ले, छोड़ दूंगा मैं तुझे। बेटा, जिंदगी में बहुत बार गिरने के बावजूद हर बार खड़ा हुआ हूँ मैं। खून की होली या पटाखों की दिवाली, दोनों मुझे अच्छे से मनानी आती है। सर कटवाना पसंद करूंगा डार्लिंग, लेकिन किसी के आगे सर झुकाना मेरी फितरत में नहीं है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, हंड्रो एक्शन शुरू करो। शेर है ना तू? फ्री में राय दे रहा हूँ, सुन ले। हम सब इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, उसे ईमानदारी से जीना सीख। ठीक है, ठीक है। अगर तू मुझे वापस इस गांव के आसपास भी दिखाना तो तेरा ये बीच का गैप कम हो जाएगा। अपना खून पसीना बहाकर अनाज पैदा करने वाले किसानों की जिंदगी से खेलेगा तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। सोच ले, आखिरी मौका दे रहा हूं। समझा क्या? समझा क्या? समझा क्या? सबको मेरा प्रणाम। अपना नया माल आप अपने पास ही रखिए और कल सुबह फैक्ट्री में आकर पुराना माल का हिसाब पूरा कर लीजिए। चले गोपाल। अन्ना एक मिनट, फ्री में एक सलाह दे रहा हूं जी। हम दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाएंगे, तो ईमानदारी से जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? ईमानदारी से। आप सब खुश रहिए और अपना ये उत्सव धूमधाम से मनाइए। मैं चलता हूँ सर। नमस्कार। चल 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 चल। इतना बड़ा आज तूने काम किया है और चुपचाप खड़ा है तू। गर्व है मुझे तुझ पर। हमारी ये खुशी तेरी देन है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। मारिए मारिए और जोर से मारिए। सारे भूत बाहर निकल जाने चाहिए। मारिए ऐसे और मारिए। तुम्हारा दिमाग ठीक कर दे। हाय हाय, मेरा नाम प्रताप है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बिल्लारी डिस्ट्रिक्ट। पता चला है तुमने शुगर फैक्ट्री के गुंडों को मारा है। गुड, लेकिन दोबारा ऐसा कभी मत करना। इन गुंडों को संभालने के लिए हमारा कानून है, हम पुलिस वाले हैं। ठीक है सर। एनीवे, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। ये अंगूठी आपकी है? Even I am having it, sir. Same to same. Antique piece, sir. कहाँ से हो? जोधपुर। जो राजस्थान। बॉस की नानी के घर भी आ रही है। And you, sir? पास के बिल्लारी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हाँ। यहाँ उत्सव के लिए आया था। तो मिलते हैं। Okay. जी, sir. See you.
मैं रेडी हूँ, तुम्हारे घर चले। हाँ चलो। इनकी उम्र कितनी है? 90। सेंचुरी होते होते रह गए। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि चांसेस कम है। क्या हुआ? बेचारी, लगता है इसने कल कुछ ज्यादा पी ली इसलिए बेहोश है। इसे भी साथ लेकर आया है। मैं तो लाइन मारते रह गया, इसने पूरा सर्कल मार दिया। झिंगुर, तू सर्कल से बाहर रहना। मैंने अपनी तरफ से दवा दे दी है। हाँ? अगर ये सुबह तक नहीं उठी तो इन्हें किस्मत पे छोड़ दीजिएगा। हाँ? ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इन्हें हम एडमिट कर सकते हैं? उसका कोई फायदा नहीं होगा, इनकी उम्र तो देखिए। अब सब ऊपर वाले के हाथ में, मैं चलता हूँ। ए, चलो रे, आगे कहाँ चलना है? पास में माधव का। चल चल, आप ध्यान रखिएगा। सुनिए ना, बंद करो, ये जिंदा है अभी, वो सांसें चल रही हैं। अरे चुप हो जाओ, अभी मरी नहीं है। ओ, नहीं मरी क्या? नहीं। माँ, नानी माँ को अंदर लेकर जाओ। क्या हुआ? ये कह रहा है माँ को अंदर ले चलते हैं। जगन, त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। मम्मी को ये लड़के को ज्यादा ही पसंद आ गई है ना। बस उनकी होने वाली बहू जो है आएगी ही ना। तुम कहाँ से? मैसूर में MBA कर रही हूँ, यहाँ उत्सव के लिए आई थी। पेरेंट्स भी पास के गांव में रहते हैं। बेसिकली आई एम फ्रॉम। माँ, माँ, माँ। अरे बेटा, मुझे हिरम लकवा मारा है, तुझे क्या लगा मेरा टिकट कट गया? ए, नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं ना सेंचुरी मारे बगैर नहीं जाऊंगी। मामा, वो देख, तेरा पोता जगन, उसी ने तुझे ठीक किया है माँ। अच्छा, वाह जगन मोहन, तूने कैसे ठीक किया बेटा? आयुर्वेद मामा, इन जड़ी बूटियों में जो शक्ति है ना, वो मनुष्यों की बनाई हुई औषधियों से कहीं ज्यादा है। ये जो हमारी प्रकृति है, जीती जागती केमिस्ट की दुकान है। हम जो सांस लेते हैं, जो खाते हैं, हर चीज में दवा के गुण होते हैं। आजकल के युवा विद्या प्राप्त करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन तू अपनी विद्या से हमारे गांव के लोगों की सेवा कर रहा है। तुम्हारा तो बेटा बिल्कुल कमाल है बहन। नायक जी, अब चुनाव के लिए मना करेंगे तो कैसे चलेगा? कोई और जीता तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अपना निर्णय बदलिए। अरे देवा, अब तू ये आखिरी सहारा है। चलो रे। शेर की तरह जीने वाले विक्रम नायक जी को इस हालत में देखकर बहुत दुख होता है मालिक। आप बस इशारा कीजिए, मैं उस ठाकुर के परिवार की लाशें बिछा डालूंगा। उन्होंने मेरे भैया की जान तो नहीं ली, लेकिन उनकी जान से भी बढ़कर उनके तीनों बेटों को मौत के घाट उतार डाला। मैं जानता हूं कि ये सब कुछ ठाकुर के बड़े बेटे उस भल्लाल ठाकुर ने करवाया है। भल्लाल ठाकुर की जान उसकी पोती में बसी है। उस एक लड़की की मौत देखकर उसका सारा परिवार तड़प कर नष्ट हो जाएगा। ढूंढो, ढूंढो उसकी पोती को, जाओ। ढूंढो। क्या हुआ, इतनी दुखी क्यों लग रही हो? कोई बात है तो बताओ। या तो उसका फोन उठाने की हिम्मत कर, या अपने फोन से उसका नंबर डिलीट कर दे। घर पहुंचते ही फोन करना। हाँ, टेक केयर, बाय।
तो मुझे जोधपुर आने से भी रोक रही है। ऐसे कैसे चलेगा? इस तरह तो मैं राखी भी नहीं बंधवा पाऊंगा और ना ही मैं तुझे कुछ दे पाऊंगा। आप तो जानते ही हैं ना भैया कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। सही कहा। बहन, जगन कुछ टेंशन में है क्या? अरे भैया, उस दिन अपने घर में लड़की आई थी ना। अच्छा, वो भरतनाट्यम वाली। अगर ऐसा है तो मैं उस लड़की से अभी बात कर लेता हूँ। अरे भैया, पहले बात को समझिए। वो लड़की जगन से प्यार करती भी है या नहीं हमें नहीं पता। माँ, हाँ? वो मेरा फोन काट रही है। अरे बेटा, वो किसी काम में बिजी होगी। एक बार और ट्राई कर। माँ, हाँ? वही कॉल कर रही है। एक मिनट, हेलो। अरे तुम हो कहाँ? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। वीआरएल बस स्टॉप। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आया। कम से कम इस बार उसे अपने दिल की बात बता कर ही आना। ठीक। ऑल द बेस्ट। थैंक्स मॉम। आइसक्रीम चाहिए? पहले पैसे लाओ तब मिलेगी। जाओ पहले पैसे लेकर आओ। तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? इसे एक आइसक्रीम देना। बचपन से ही मैं हिंसा से दूर भागता आया हूं, लेकिन मैं जितना भी दूर भागता हूं वो उतना ही मेरे करीब चली आती है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चला जा। हम कोई साधारण भाड़े के गुंडे नहीं है, अखाड़े के पहलवान है। फोन उठा। इसे उठा लिया क्या? निकल गया ना? बोला बोला बोला। तू कौन है मैं नहीं जानता, पर आज तूने बहुत बड़ी गलती की है। लगता है तुझे नहीं पता कि इस लड़की के साथ उसका रखवाला खड़ा है। उसके लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और जरूरत पड़ने पर किसी की जान ले भी सकता हूँ। ये बात अपने भेजे में फिट कर ले।
जब तुमने मेरी जान बचाई थी मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ मुझे जानते हो लेकिन मेरे परिवार को नहीं जानते। मेरा गांव है बादामी। बादामी और मैं ठाकुर परिवार से हूँ। परिवार से हूँ। परिवार से हूँ। परिवार से हूँ। मेरे परदादा He's a king maker. और मैं बादामी के सबसे खौफनाक इंसान भल्लाल ठाकुर की पोती हूँ। मेरे पिताजी और चाचा, मेरे भाई, कोई कभी दादाजी के खिलाफ नहीं जा सकता। आरटी ऑफिस, माइनिंग फैक्ट्री, सभी प्रॉपर्टीज में वो देसाई अपनी टांग अड़ा रहा है। उस कमीने को छोड़ना मत, जहां दिखे काट डालना। और मेरे पांचों भाई इंसान नहीं है, राक्षस है। भागो, 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 भागो। गांव के हर एक आदमी को उनकी बात माननी पड़ती है वरना मुझे अपने लिए लड़का ढूंढने की इजाजत। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने अपनी माँ से वादा किया है तुम ही हमारे घर की बहू बनोगी। शिव जी ने अपना आधा शरीर पार्वती माँ को सौंप दिया था। श्री राम ने सीता मैया की खातिर लंका जाकर रावण का सर्वनाश किया। हमारे इस देश में पत्नी को अर्धांगिनी का दर्जा दिया जाता है। आज के बाद तुम्हें मुझसे दूर करने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। तुम्हारे घर वालों को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब रो मत। बहुत बड़ी गलती की मेरे आदमियों को मारा तूने ठाकुर। अब चाहे कुछ भी हो जाए उसके पूरे परिवार की बलि चढ़ेगी। हेलो जीजू, दो लोग मिले। अबे बतियाना बंद कर और लेकर आ दोनों को। कौन है वो? कौन है वो? हमने उसे कभी पहले नहीं देखा है, अकेला था वो। लगता है आपके दुश्मन ठाकुर ने भेजा था उसे। कंफर्म हो गया, वो पक्का ठाकुर का ही आदमी था। अब उस ठाकुर को दिखाऊंगा कि डर क्या होता है, शिकार कैसे किया जाता है, इस पल्लव सिंह से टकराने का अंजाम क्या होता है। बल्लाल ठाकुर नाम है मेरा। मुझसे आंख मिलाना भी अपराध है और जिसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया उसका यही हश्र होगा। बॉस, उनकी फैमिली की कहानी तो बहुत डेंजरस है। बॉस, आपने तो प्रॉमिस कर दिया, अब क्या करोगे आप? ताकतवर किला खड़ा करता है और बलवान उस किले पर अपना झंडा लहराता है। निडर वार करता है और बहादुर डटकर उसका सामना। लेकिन जिस इंसान के पास ये चारों गुण होते हैं उसे कहते हैं भराटे। सामने वाले की शक्ति को कम आंकना मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है। भल्लाल ठाकुर के एक इशारे पर यहाँ के पेड़ मुरझा जाते हैं और दूसरे इशारे पर वापस खेल उठते हैं। बादामी के एक एक जानवर को भी पता है कि यहाँ पर सबसे शक्तिशाली कौन है। सालों से इस जिले के हर परिवार पर राज करता आया है हमारा एकमात्र ठाकुर वंश। यहाँ पर हम साक्षात भगवान का रूप है और भगवान भी इस बात को इनकार नहीं करेंगे। शायद तू ये बात नहीं जानता था लेकिन अब याद रखेगा, नहीं तो गोली मार दूंगा। ले जाओ साले को। अपना इलाज करवा लेना, चल निकल। क्या आपके सारे पेपर खत्म हो गए बेटा?
जानते हो इसकी बस मैसूर के बजाय बगल वाले गांव से आई है। दाल में कुछ काला है, जल्द से जल्द इसके स्वयंवर की तैयारी करो। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अरे रे रे रे, तुम भी लोग ना ला दे रहे मुझे। सबसे पहले बच्ची की नजर उतारनी पड़ेगी। इतनी भी समझ नहीं कि आपको कुत्ते की नजर, बिल्ली की नजर, मुर्गी की नजर, कौवे की, हाँ यूट्यूब की नजर, फेसबुक की नजर, किसी की नजर ना लगे। इसे थूको इस पे। तुमने तो मुझ पे ही थूक दिया। बिचाक पधारी है। देखो बेटी, तुम्हारे स्वयंवर की सारी तैयारियां हो चुकी है। इस बार सारे लड़कों को मैंने चुना है। इस बार पक्का तुम्हारी शादी फिक्स। दुखी क्यों हूँ बेटा? साधु, बेचारी इतनी दूर से आई है, थकी हुई है। इसे थोड़ा आराम करने दो। सॉरी सॉरी सॉरी, आप जा सकती हैं, टेक रेस्ट। तो ठीक तो है ना? छोटे ठाकुर ने मेरे तीन आदमियों को मार दिया, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें आपका नाम नहीं बताया सर। इंसानियत नहीं है उनमें, मनुष्य नहीं, राक्षस है वो लोग। मैं कुछ नहीं कर सकता, उन्हें बुला दीजिए सर। बुला दूं ठाकुर को, बोलता है बहुत खुशी के साथ मैं अपने परिवार के साथ रह रहा था और सिर्फ एक एकड़ जमीन के लिए उसने मेरे पूरे माइनिंग के धंधे को इलीगल घोषित करवा दिया। मेरी आंखों के सामने मेरे बाप और दो बेटों को पुलिस पकड़ कर ले गई। दूसरे दिन उनकी लाशें घर आई। झूठ बोलते हैं, उन्होंने जेल में आत्महत्या कर ली। ठाकुर ने मारा उन्हें। सदमे से मेरी पत्नी ने सुइसाइड कर ली। मेरी माँ भी चल बसी, उसे हार्ट अटैक आ गया। और मेरा तीसरा बेटा आज भी कोमा में पड़ा है। बचेगा नहीं बचेगा कुछ पता नहीं है। मेरे पास करोड़ों अरबों की दौलत है, लेकिन मैं लावारिसों की तरह नौकरों के साथ रहता हूँ। और मैं भुला दूँ उस ठाकुर को, ठाकुर वंश की एक एक औलाद को बदामी के नक्शे से मिटा डालूंगा। उसके खानदान के हर एक सदस्य की लाश चाहिए मुझे। कुछ तो गड़बड़ है, पंडित जी को बताना पड़ेगा। रुद्र रुद्र रुद्र। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। 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 ओम शिव तक न हर शिव तक न। बीस साल पुराने दुश्मन वापस लौटेंगे। तुम दोनों इस बात का पता लगाओ। क्या हो गया? पंचर हुआ मालिक। पंचर हो गया? आगे एक ढाबा है, वहां इंतजार करते हैं। जी मालिक, हम भी आते हैं। जाइए, मैं देखता हूं। आराम से। अचानक ठोक दिया तो ऊपर जाके बेचारे कंफ्यूजन में रहेंगे, कौन ठोका क्यों ठोका सोचेंगे। तो अब हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। नाम है हमारा सुपारी शंकर। एक बहुत बड़े रॉयल परिवार ने ठाकुर परिवार को ठोकने की मुझे सुपारी दी है, तो अब हम तुम सबका कीमा बनाने वाले हैं। सबकी कहानी खत्म। भेजे में बात घुसी घुसी ना। हैप्पी जर्नी। छोड़ दो मेरे चाचू को, प्लीज छोड़ दो।
तेरे की। इतना रोना धोना चालू हो गया, इरिटेशन हो रहा है अब। लड़की का स्पीकर बंद करो। मत मारो, छोड़ो, छोड़ो। छोटी सी बच्ची है वो, छोड़ दे उसे। भैया का नाम सुपारी शंकर, तोहरा खीमा बना दे। इन लोगन की सुपारी रॉयल घराने से आई है, आप समझा कि नहीं? चल भाग। स्माइल खूब है क्या भाई? ऊपर का टिकट काट दे क्या? ए, पहले इस साले को खत्म कराओ। माल पानी रखने वाला रॉयल नहीं होता, जिगर में हिम्मत रखने वाला रॉयल होता है। बाय बर्थ रॉयल। Brave girls never cry. Chocolate? धन्यवाद सर, हम सबकी जान बचाने के लिए। डोंट मेंशन इट। आप कौन हो? मैं एक टूरिस्ट। हम बदामी के सबसे प्रसिद्ध ठाकुर परिवार से हैं। हमारे साथ चलके आपकी खातिरदारी करने का मौका दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज मुझे थोड़ा काम है, आपसे माफी चाहूंगा। प्लीज चलिए ना अंकल, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। देखो वादा करता हूँ। चलते ना बॉस, बच्चों को मना नहीं करते, बच्चे तो गॉड होते ना। ये कौन? बेस्ट फ्रेंड, माय सेल्फ हैड बाथरूम इमरजेंसी, काफी आतिशबाजी हुई यहाँ पे। चलो बस, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर चलते हैं। आइए 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 प्लीज, चलिए। यस यस, यू कम। ये किसने किया बोलो? कौन था? चाचू! इन्होंने ही हम सब की जान बचाई है, अगर ये नहीं होते तो अनर्थ हो जाता। चलिए प्लीज। आपने सिर्फ पांच लोगों की ही नहीं, हम सबकी जान बचाई है। आज अगर इन्हें कुछ हो जाता तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता। बिना किसी संकोच के इसे अपना ही घर समझिएगा जी। इन्हें अंदर लेकर जाओ बेटा। हाँ, चलो चलो अंदर चलिए।
स्टॉप, किसने बचाया तुम सबको? अरे ये कहां से आ गया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसी ने खुद भाड़े के गुंडे बुलाए होंगे और अब सबकी नजरों में हीरो बन चुका है। इसका होलिया तो देखो, एक नंबर का राउडी लगता है। दिस छोटा पैकेट इज डूइंग शक ऑन गेस्ट्स। गेस्ट? या आप नाराज मत होइए सर, इसका थोड़ा सटका हुआ है। अरे हर घर में ऐसा सैंपल जरूर होता है। जगन, हेलो, नाइस मीटिंग यू। आइए सर, चलिए। यही है आपका रूम। ए रवि बॉस, तू जाके आराम कर। हाँ, मैं बस अभी आता। हाँ, but where going? बुद्ध को मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, बुद्ध को? भाभी प्रेम बुद्धा? हाँ, हाय। हाय, तुम यहाँ? मैं यहाँ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुमसे मिलने आया हूँ। अगर मेरे भाइयों ने देख लिया तो जानू वानू सब निकाल देंगे। तुम्हारे भैया ही मुझे यहाँ लेकर आए हैं। क्या? यकीन नहीं हो रहा? एक मिनट। हेलो सर, प्लीज यहाँ से। जरा एक मिनट। हाँ बोलिए। सर, बुद्ध जी के दर्शन के लिए आया था, लेकिन मेरा रूम कौन सा है मैं भटक गया हूँ। ये रूम था या वो रूम था याद नहीं आ रहा। यहाँ से एकदम सीधा जाइए, दाईं तरफ से तीसरा रूम है। ओह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। प्लीज। सर, ये मैडम कौन है, नीचे दर्शन नहीं हुए? ओह माफ कीजिए, ये मेरी बहन है राधा। ओह नमस्ते मैडम। इनका नाम जगन है, हमारे मेहमान है, कुछ दिन यहाँ हमारे साथ रहने वाले हैं। इनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है? आइए सर, रूम दिखाता हूँ। भैया, अब क्या हुआ? बुद्धा जी को प्रणाम करना भूल गए। सभी को प्रणाम। पारंपरिक रीत के अनुसार इस घर में वर की परीक्षा लेने के लिए हम एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं स्वयंवर। स्वयंवर मेरी गोल्ड चेन। वाओ, मेरी बच्ची को नजर ना लगे। सब स्थान ग्रहण कीजिए। करीबन 6 महीनों की खोज के बाद ये 3 लड़के चुने हैं मैंने। 3 लाख लोगों में से यही 3 गधे मिले हैं। अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। इस स्वयंवर के विजेता को इस महल में जगह मिलेगी, हमारी बेटी मिलेगी, ठाकुर परिवार का नाम मिलेगा मेरी तरह। सासुमाज, अगर आप रेडी हैं तो प्रतियोगिता शुरू करें। शुरू कीजिए। पहला राउंड। सबसे पहले आपकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए, ये रहा सवाल। अगर हमारी बेटी बीमार पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? दैट्स इजी एक्चुअली। अगर ये खुद अपने फोन पर गूगल सर्च करेगी तो सभी प्रॉब्लम का सलूशन और प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। प्रॉब्लम अगर बहुत ही सीरियस हो रहा तो उन्हीं के फोन से शी कैन बुक एन ओला और एन उबर और किसी भी हॉस्पिटल में जा सकती हैं। मोस्ट अपडेटेड आलसी। एक बार तुम उसे खुद हॉस्पिटल लेके जाओगे या नहीं? व्हाट? उसके लिए मैं हूँ ना सर। तुम कौन? हाँ सर, मेरे चाचा की चाची के बेटे का घर के बिल्कुल पास में एक हॉस्पिटल है। वहाँ इलाज करने पर 50% डिस्काउंट है। वहाँ से थोड़ी दूर जाने पर सरकारी हॉस्पिटल है। आपको तो पता ही ना मेरी कितनी पहचान है। वहाँ जाने पर फ्री में इलाज होता है। थोड़ा सा और आगे जाने पर यमलोक ही होगा। बैठ जाइए। नेक्स्ट। अपना देसी इलाज। नो साइड इफेक्ट्स कहिए। पहले तो 30 लेने का सर, बाद में 60 लेने का और उसके बाद 90 लेने का। बीमारी पूरी गायब हो जाती है। ये आयुर्वेदिक है या होम्योपैथी है? उससे भी भारी है सर। खोलना पथी पीना पथी। मैं समझा नहीं। मदिरा। सभी रोगों की बस एकमात्र दवा। शराब ही हमारी फैमिली मेडिसिन है। तीनों ही फेल। दूसरा राउंड। नमस्ते। तो पेश है दूसरा सवाल। अरे चलो चलो जल्दी करो, हम चलते हैं यहाँ से। अरे चलो। गूगल, वेयर इज द फायर एग्जिट? गाड़ी निकालो सर, गाड़ी निकालो। इमरजेंसी है क्या? मैं अपने चाचा को मिशन के लिए फायर एग्जिट। चुप हो जाओ, तुम लोग बेकार में परेशान हो रहे हो। चलो चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। आ जाओ। सब के सब गद्दार। गलती हो गई मालिक, माफ कर दीजिए मालिक। तुझे सुपारी किसने दी थी? नहीं बताएंगे। सुपारी किसने दी बता? भैया जी, यहाँ कोई गेम शो नहीं चल रहा, बता ही दो। मेरा ईमान कोई नहीं खरीद सकता, नहीं बताऊंगा। बता सुपारी किसने दी थी? अभी तो हमारे शादी भी नहीं हुई है भाई। मैं हर किस नहीं बताऊंगा। बोल। Mm-hmm.
सर, टीवी पर तो मैंने बहुत बार ऐसे सीन देखे थे, लेकिन रियल लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। सो रूड। रूड नहीं, राउडी है। मुझे नहीं करनी शादी। सर, हमें जाना है। कोई पीछे का रास्ता नहीं है क्या? तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए थे, लेकिन बाहर भलाल ठाकुर की मर्जी से जाओगे। हेलो, एंट्री बड़े स्टाइल में की थी है? अच्छी हुई जैसे खड़ा हुआ है। तुझ पर मेरी नजर है बच्चे। चलो सब अंदर। मैंने बोला शंकर को इस लफड़े में मत पड़, उसने नहीं माना, आज मारा गया। वो आपकी बहुत इज्जत करता था, अपनी जान दे दी लेकिन आपका नाम नहीं लिया। हमारी गैंग का तो शेर था वो, वो अकेला ही हम सबको पालता था। अब हमारा कौन ख्याल रखेगा? आप ही कुछ मुआवजा दे दीजिए। मुआवजा कितना? कम से कम 2 करोड़ रुपए। वो पैसा लेकर हमारा काम भी नहीं कर पाया और तुझे मुआवजा चाहिए क्या? ठीक है, ठाकुर साहब का महल पास में ही है, वहाँ होकर आता हूँ। हमें धमकी दे रहा है? दे दे। ये क्या भाई, सूटकेस लाने के बजाय थाली लेकर आ रहा है। बड़े लोग हैं ना, कैश की बजाय हीरा मोती देंगे शायद। कितनी बार समझा चुका बे तुझे, ऐसे निकम्मे गुंडों को बड़े काम मत दिया कर। अब भल्लाल ठाकुर चौकन्ना हो गया, अब हम और नहीं रुक सकते। सिर्फ उस कमीने को ही नहीं, उसके पूरे खानदान को खत्म करना होगा। आप इशारा कीजिए जीजू, सबको उड़ा दूंगा। गधे, वो कोई तेरे स्कूल का लंगोटिया यार नहीं के तू इतनी स्टाइल से बोल रहा है, उसको उड़ा डालूंगा। उस कमीने को तो तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं, जमीन पर गिरे उसके खून के दाग सदियों तक नहीं मिटेंगे। आप बताइए मुझे क्या करना है। बुला ले उस शैतान को बिहार में जो बैठा है। थोड़ा सा मुस्कुरा दो। ये है मेरी पोती राधा। इसका नाम राज है, इसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। ओए, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हाँ, स्वयंवर का टाइम हो गया ना, चलो चलो जल्दी चलो। हाँ? कौन है ये और जादूगर के भेष में क्यों है? हाँ सर, ये इस घर का जादूगर ही है। ये हमारे घर के दामाद श्री हैं। जब देखो जादूगर के कपड़े पहनकर स्वयंवर कराने का हमेशा मजाक करते रहते हैं। मजाक करता हूँ। आपके साथ रिश्ता जुड़ना सौभाग्य की बात है सर। आप हमें जब भी कहेंगे हम इन दोनों की मंगनी करवा देंगे। बहुत जल्द अच्छा मुहूर्त ढूंढकर आपको सूचित कर देंगे। तुम मेरे दादाजी को जानती नहीं हो, वो हमारे प्यार को कभी भी नहीं स्वीकारेंगे। तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने का मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमें एक दूसरे को भूलना होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। सदियों से इस घर के खिलाफ जो सर उठे हैं सब कट गए। यहाँ प्यार से ज्यादा खून मायने रखता है। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। मेरे साथ जो हुआ चलता है, पर तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे अगर सिर्फ एक तरफा प्यार होता तो बात समझ में आती यार, लेकिन यहाँ तो आग दोनों तरफ लगी है। खैर कोई बात नहीं, नो टेंशन, नो टेंशन। शिव जी के त्रिशूल से, विष्णु जी के चक्र से और श्री राम के बाण से एक ही चीज पावरफुल है, वो है लड़कियों का। सही कहा तूने, तभी तो हार मान ली मैंने। अब उसे भूल जाना। क्या कहा? भूल जा। बेजे में घुसी ABCD भुला नहीं पाता, दिल में बसी लेडी को कैसे भुला दूं यार। कब से बैठा ज्ञान पेल रहा है, जान की परवाह किए बिना सिर्फ प्यार की खातिर इतनी दूर आया मैं, और मेरे प्यार ने मुझे रफा दफा कर दिया। चल थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तू अपनी चड्डी एडजस्ट कर ले। यार ये क्या बोलता है? हमेशा लड़के क्यों देवदास बने? लड़कियां कभी देवदास बनी है क्या? मैं एडजस्ट नहीं करूंगा लुखे। लुखा बोला। मेरी लव स्टोरी खत्म।
कल सुबह हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। बल्लाल ठाकुर का परिवार साल के बस एक ही दिन बिना हथियार के निहत्ता बाहर निकलता है आयुध पूजा के लिए। कल सुबह 11 बजे उनके घर में पूजा आरंभ होगी। आदिशक्ति पराशक्ति जय जय शक्ति चामुंडेश्वरी। ठीक 12 बजे वो दुर्गा माँ की स्थापना बादामी मैदान में करने जाएंगे। बल्लाल ठाकुर पूजा में व्यस्त होगा और अग्नि समारोह खत्म होने तक किसी पर भी उंगली नहीं उठाएगा। ठीक 12:30 बजे तक तुम मैदान में घुसकर हमला करोगे। ठाकुर परिवार की मौत की खबर मिलने के बाद 2 बजे मैं शुरू करूंगा अपनी पार्टी। अगर किसी भी कारणवश तुम नाकाम रहे तो हम बात के पक्के हैं। एक बार वादा किया ना, काम खत्म करके ही रहेंगे। जय बिहारी, जय बिहारी, जय बिहारी, जय बिहारी। कलमदाजी मत कर, तू लिस्ट में नहीं है, निकल। पूजा के शुभ अवसर पर हमला, दुश्मनी में भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा तुमने, लेकिन अब इस शेर से बचकर कहां जाओगे? धमकी दे रहा है का? तेरे बेंगलोर का कोई डरपोक गुंडा नहीं है, हम बिहारी हैं। जैसी बोल करे तू निंदा पाया बाबू का भला साधितू पा।
हम सब भले ही अनेक शहरों से हों, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। इस धरती का पानी भी पवित्र माना जाता है। यहाँ हर एक प्रार्थना घर एक समान है। इस देश में पैदा होना हमारा सौभाग्य है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सब एक हैं और निडरता हर हिंदुस्तानी के खून में दौड़ती है। ठाकुर मेरा शिकार है, उसके साथ क्या करना है सिर्फ मैं तय करूंगा। मृत्यु के देवता भी हमारे बीच नहीं आ सकते। मेरे रास्ते में मत आना, मेरे रास्ते में मत आना, मत आना, मत आना। तुमने एक राक्षस को तो दबोच लिया, लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिया। मैं इसी विषय पर बात करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। क्यों बचाया उसे? कौन हो तुम? वो लोग घर में खुशियां मना रहे हैं और मैं आज शोक मना रहा हूं। आज अयोध्या पूजा के दिन मैंने अपने पूरे परिवार को खोया था। मेरी आंखों के सामने मेरे घर के हर एक सदस्य की लाशें बिछा दी गई थी। मेरे देवता समान दादाजी का श्राद्ध है आज, जिन्हें पूरा गांव भगवान की तरह पूजता था। हमारा घराना सिर्फ लोगों की सेवा करना जानता था। मालिक, मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसे बचाइए मालिक। नमस्ते भल्लाल ठाकुर जी। खुशखबरी सुनाइए। सब जिलों में आपकी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। आप जिसे चुनेंगे वही सीएम बनेगा, लेकिन एक क्षेत्र में आपकी हार निश्चित लग रही है। वो ना बादामी के रत्नाकर परिवार का नाम तो सुना ही होगा आपने। राजा कृष्ण रत्नाकर ने आयुर्वेदिक उपचार प्रदान किया है और वो खुद लाखों लोगों की मदद कर चुके हैं। पैसों से ज्यादा उन्होंने लोगों का प्यार कमाया है सर। और अब कृष्णा रत्नाकर का बेटा किसानों की ओर से चुनाव में खड़ा हो रहा है, तो आप बादामी क्षेत्र में अपनी हार निश्चित समझिए। ये घर किसी महल से कम नहीं है। हमारी तरफ से हाँ है, आप जो तारीख तय करेंगे हमें मंजूर होगी। मेरी राय से ज्यादा बिटिया की राय जानना आवश्यक है। तुम्हें मंजूर है ना बेटी?
मैंने कहा था क्या मेरी उससे शादी करवाओ? वो होती कौन है मुझे ठुकराने वाली? शांत हो जाना मेरे भाई, भूल जाओ सब। क्या मैं उसे भूल जाऊं? मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उस लड़की को। मुझे मना किया, मुझे नकारा, सबके सामने बेइज्जती की, नहीं छोड़ूंगा तुझे। चलता हूँ। जी भल्लाल जी। मालिक मालिक, रत्नाकर के घर वालों ने छोटे मालिक को मार डाला। एक जीव के बदले पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी तुमने। बस करो, अगर सब मारे गए तो सिर्फ मेरे परिवार का अंत नहीं होगा, एक पूरी परंपरा का अंत हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा रत्नाकर घराना लोगों की सेवा करता आया है, हम सब मर गए तो पूरे समाज को हानि पहुंचेगी। हम लोग प्राण लेने वाले लोग नहीं हैं, प्राण बचाने वाले लोग हैं। बस करो, छोड़ दो। छोड़ दूं? हाँ, भल्लाल ठाकुर की परछाई से डरते हैं लोग, और तुम लोगों ने? चल छोड़ दिया, भरपाई करेगा, मेरे बेटे की जान की भरपाई करेगा। करूंगा। पहला, तेरी सारी संपत्ति तू मेरे नाम लिखेगा। हाँ। दूसरा, तेरा बेटा, बहू और पोता कभी भी बादामी में नहीं देखने चाहिए। तीसरा, रत्नाकर घराने की शान, कृष्ण रत्नाकर अपने प्राण मुझे सौंपेगा। जब तक तू लौटेगा तेरा ये सेवक मेरे पास बंदी रहेगा। ये क्या पिताजी, ठाकुर के डर से क्या हम अपना घर कारोबार सब छोड़कर भाग जाएं? बस एक बार कहिए, मैं सबको काट डालूंगा। किसी को मारकर विजय प्राप्त नहीं होती, बल्कि ऐसा करने से उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा? हमें अपनी परंपरा को बचाना है, हमारे आयुर्वेद को बचाना है। ईश्वर ने हर एक मनुष्य को कोई ना कोई शक्ति प्रदान की है, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत कामों के लिए उस शक्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो पूरे जग को बचाने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करते हैं, और ऐसी ही शक्ति ईश्वर ने हमें प्रदान की है, तो उसकी रक्षा करना और उसे बढ़ाना भी हमारा ही कर्तव्य है। आज तक तुमने हमारी हर बात मानी है, आज एक आखिरी बात मान लो, अब कभी भी अपने कदम बादामी की भूमि पर मत रखना। आयुर्वेद की विद्या को कभी व्यापार मत बनाना।
लोक कल्याण का अर्थ है आयुर्वेद, सबके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। मेरे पोते का ख्याल रखना। आओ रत्नाकर आओ। मालिक आप वापस क्यों आ गए? चले जाइए, आप लाखों लोगों के प्राण बचा चुके हैं, आपका जीना आवश्यक है मालिक। भगवान के लिए चले जाइए मालिक, चले जाइए मालिक। मेरा जीना आवश्यक नहीं है, मेरे प्राण का कोई मूल्य नहीं है, आयुर्वेद को बचाना आवश्यक है। उसके लिए मेरे परिवार का जीवित रहना जरूरी है और हमारी आने वाली पीढ़ी को ये प्राचीन ज्ञान बांटना जरूरी है, और वचन का पालन करना हमारी परंपरा है। शाबाश, एक महान निष्ठावान राजा की तरह तू अपना वचन निभाने चला आया। लेकिन मैं उन राजाओं में से नहीं हूं जो प्रजा के खातिर अपनी जान देना चाहता है। तूने अपना कर्तव्य खूब निभाया, अब मुझे भी तो अपना कर्तव्य निभाना होगा ना। परमात्मा सबकी रक्षा करना। यशोदा, ट्रेन जा रही है, चलो जल्दी। सर, रत्नाकर परिवार का कर्जा तो मेरे परिवार के ऊपर भी है। मेरी माँ जिस समय कैंसर से मर रही थी तो आपके परिवार ने एक भी पैसा लिए बिना उनका इलाज करवाया था, लेकिन जब आपके पूरे परिवार की बलि चढ़ रही थी तो कोई बचाने नहीं आया। और अब जब ठाकुर परिवार की बलि चढ़ेगी, कोई भी बचाने नहीं आएगा। ना मैंने तुमसे कुछ पूछा, ना तुमने कुछ बताया, समझो कि हम मिले ही नहीं। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हारे और एसपी के बीच हुई सारी बातें मैंने सुन ली हैं जगन। मेरे दादाजी इतने दिनों से जिसे ढूंढ रहे हैं वो तुम ही हो। तुम्हारी 20 साल पहले की गलती का नतीजा है वो लड़का। रेगिस्तान की गोद में रहता है वो, भारत के नीले शहर में। मेरे भाई तुम्हारी ही तलाश में राजस्थान गए हुए हैं। अरे ये क्या, घर होटल बन गया? मैं तो तुम्हें प्यार बांटने के लिए आया हुआ बुद्धा समझ बैठी थी, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें जीवित रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया। कम से कम उनकी तो इज्जत करो। तो आज के बाद प्यार का इस्तेमाल करके अपने बदले को अंजाम देने की कोशिश मत करना। चले जाओ। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें पहली बार राजस्थान में नहीं, हैदराबाद में देखा था, मेरे दोस्त की शादी। हैप्पी मैरिड लाइफ। मुझे तब पता चला कि तुम भल्लाल ठाकुर की पोती हो, फिर मुझे पता चला कि तुम अपने दोस्तों के साथ जोधपुर आने वाली हो। हाँ, आजकल सब जल्दी जल्दी हो रहा है। Are you single? What? Come, let's have fun. Come on, baby. How dare you? क्या कर रहे हो? Come on. Just What's leave wrong? me. Bloody idiot. Hey. जितनी मेरी नफरत सच्ची है उतना ही मेरा प्यार भी सच्चा है। चले जाओ।
दादाजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। अगर घर में कोई मेहमान आए तो दो चार दिन के बाद उसे चले जाना चाहिए। इतने दिन किसी के घर में रहना उचित नहीं है, और जब से वो इस घर में आया है हर दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। आप उसे यहाँ से जाने के लिए कहिए। हुआ क्या है? वो आदमी मुझे सही नहीं लग रहा, उसके अंदर मुझे राक्षस नजर आता है। लो वो आ गई। राधा इतनी देर से तुम कहाँ थी? अच्छा छोड़ो, देर हो रही है, जल्दी चलो। चलो तुम लोग। हाँ हाँ। चेक मेट। माय सुपर बॉस। इसे शतरंज में हराएगा तू? खेल के राजा को, भल्लाल ठाकुर को, या मेरी पोती को? मेरी वो पोती जो आज तक मेरे सामने बोलने से भी कतराती थी, आज उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात की है। क्या चल रहा है? कौन है तू? बोल, बता, बता। दादाजी, आप जिस आदमी के सामने खड़े हैं वो हम सबको धोखा दे रहा है। सच तो ये है कि इसने हमारे घर में जानबूझकर प्रवेश किया है। ये राधा से प्यार करता है, कॉलेज के बहाने वो इसके साथ घूम रही थी। ये दोनों झूठ बोल के आए हैं। जोधपुर में ये गाइड बनकर राधा की जिंदगी में आया और फिर इसने उसे अपने जाल में फंसाया। दादाजी प्लीज उनको रोक दीजिए सर, प्लीज प्लीज उनसे कहिए उन्हें नहीं मारे बात। उसने हमारी जान बचाई थी ताऊजी, उसे सर। मालिक मालिक, मंदिर से उस नायक ने राधा को अगवा कर लिया है। चल राधा, छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो उसे। अगर वो भल्लाल ठाकुर एक मर्द की औलाद है और अगर उसमें जरा सी भी हिम्मत है तो बिना किसी हथियार के मेरे किले में आकर इसे छुड़ा के ले जाने को बोल। आजा। पहले मेरी पोती को छोड़ो। छोड़ दूं क्या? पहलवान विक्रम नायक जिनके नाम सुनते ही लोग अपना सर झुका लेते थे, आज उन्हें लोग दया की नजर से देखते हैं। देख मेरे भाई की हालत, भाई की हालत, भाई की हालत। जिस हाथ से मेरे भाई ने अपने तीनों बेटों के चिता को आग दी थी, आज उसी हाथ से तेरी पोती को तेरी आंखों के सामने मार डालेंगे और तू बस देखता रह जाएगा। यहाँ तुम सबको एक साथ देखने के बाद तुम्हारे साथ भी वही करने का मन कर रहा है। क्यों ना तुम सबको एक साथ मौत के घाट उतार दो। मार डालो। अगर तू इनकी बैंड बजाएगा तो मैं क्या घंटा बजाऊंगा? मेरे घर ने 5 बार मातम मनाया है, 2 बार इस पर हमला कर चुका हूँ। बिहार से मैंने 100-100 गुंडों को बुलाया था, इनका खात्मा ही मेरी जिंदगी का मकसद है। खैर छोड़, आज ये पल्लव सिंह और वीर नायक मिलकर ठाकुर परिवार की बलि चढ़ाएंगे। आज बहेंगी खून की नदियां। ए भल्लाल, कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा तूने सोचा नहीं था ना? अबे देख क्या रहे हो, ऊपर से 6 इंच कम करो। लो
लवर आ गया। मेरे घर में घुसकर तूने हीरोपंती की, उसके बावजूद तुझे छोड़ क्यों दिया पता है? क्योंकि मुझे लगा तू भी ठाकुर की मौत चाहता है, लेकिन तूने तो साला दल ही बदल लिया। उस दिन तुझे छोड़ दिया, लेकिन आज मार डालो साले को। सिर्फ हमला करना काफी नहीं होता, हमला कब और कहां करना है ये भी जरूरी होता है। उसकी वजह से हमारे घर में 3 मौत हुई है और उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। ओ भाई लोग, जब तुम्हारे जैसे 100 मरते हैं तब एक भल्लाल पैदा होता है। अरे जीतना तो परंपरा है ठाकुर परिवार की। अब तक जो हुआ वो सिर्फ कुश्ती थी, अब शुरुआत होगी युद्ध की। निकलो बाहर। झटका लगा ना, लगना भी चाहिए। यहाँ भल्लाल का राज चलता है, भल्लाल का राज चलता है। जिस समय तूने मुझे युद्ध के लिए ललकारा था उसी समय ये किला मेरा हो गया था। मार डालो। ओए, वो उन्हें भी बचा रहा है और हमें भी बचा रहा है यार। हमें उससे मारने से रोका और अब खुद ही मार रहा है। रामायण महाभारत में तो बहुत पात्र देखे, लेकिन इस जैसे कैरेक्टर को तो पक्का लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। सही कहा भाई। मैंने एक बार भाई क्या बोल दिया, तू तो मेरे गले ही पड़ गया। बाद एक भाई का भाई बड़ा भाई आतंक मचा रहा है। भरपाई करेगा। भरपाई करेगा। भरपाई करेगा। लोक कल्याण का अर्थ है आयुर्वेद, सबके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। ने पूरे खानदान को खत्म किया उसी की जान बचाई, क्या बात है।
मुझे बचाकर तुमने मेरे अंदर के अहंकार को मार डाला। मैंने तो तुम्हारे पूरे वंश को मिटा दिया, लेकिन तुमने मेरे खानदान को मिटने से बचाया। मैं तो समझता था कि जान लेने से प्रतिशोध पूरा होता है, लेकिन जान बचाकर प्रतिशोध को भुलाया जा सकता है, ये तुमने साबित कर दिखाया। तुम्हारे दादाजी कहते थे लोगों की जान बचाना तुम्हारे परिवार का कर्तव्य है, और तुमने साबित कर दिया। तुमने दादाजी का वचन निभाया, मुझे बचाकर तुमने मुझे कर्जदार बना लिया। सदा के लिए तुम जीत गए, मुझे माफ कर दो। अपने माता पिता को बुलाओ। आज ठाकुर घराना रत्नाकर घराने की पूरी संपत्ति उन्हें अभी इसी वक्त वापस लौटाता है। रुकिए, और इस घर की महालक्ष्मी को, मेरी प्यारी पोती को आपके हाथों में सौंपता हूं पूरी जिंदगी के लिए। और पूरी जिंदगी हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा में रहेगा। पश्चाताप से बड़ा प्रायश्चित और कोई नहीं। इस क्षण से हम अपनी सारी संपत्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए करेंगे। आज से हम एक परिवार हैं। बल्लाल ठाकुर, आप सब तो एक हो गए, लेकिन हमारा क्या? मैंने तुम लोगों को धोखा दिया, क्षमा कर दो, पिछली बातें भूल जाओ, और आज से हमारे बीच की दुश्मनी खत्म। जान बचाने के साथ साथ रिश्ते भी जोड़ दिए, कितना महान आदमी है मेरा बॉस। हाँ ना, अबे चुप, हाथी की औलाद, सारे डायलॉग तो क्या खुद बोलेगा। एक तो हमारी राधा को इसने पटा लिया, हमारी सारी संपत्ति भी हड़प ली तेरे इस दोस्त ने। सबका भला करने के बाद कुछ बोलना नहीं चाहोगे? हम दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं, लेकिन उसके बीच के गैप को ईमानदारी से जीना सीखो। हाँ।